आज मैं दही बड़े बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक कप धुली उड़द का दाल लिया है, जिसे मैंने 4 से 5 घंटा तक सोक कर लिया है पानी में डाल के। 2 हरी मिर्च लिया है, 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का जिसे हम ग्रेट कर लेंगे, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, इमली की चटनी, काला नमक पाउडर, नमक, हींग, कुकिंग ऑयल और दही। सबसे पहले मैं उड़द दाल को पीसूंगी। मिक्सी में उड़द दाल डाल दिया। अब हरी मिर्च, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए, वो डालूंगी। अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है, वो भी डालूंगी। इसमें पीसते समय पानी एकदम थोड़ा सा डालूंगी। उड़द दाल को मैंने पीस लिया है। अब इसमें हम एकदम थोड़ा सा नमक और हींग, जो 1/2 टीस्पून मैंने लिया है, इसमें मिला देंगे। अब इसे अच्छे से 4 से 5 मिनट तक फेटेंगे। मैंने इसे 5 मिनट तक फेट लिया है, ये एकदम हल्का हो गया है। अब इसे हम तल लेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है, अब हम बड़े तलेंगे। इसे पलटने के बाद आंच मध्यम कर देंगे। बड़ा फ्राई हो गया है, इसका रंग सुनहरा हो गया है। अब इसे हम उतार लेंगे। पानी हल्का गर्म कर लिया है, अब इसमें एकदम थोड़ा सा नमक डालेंगे और इन तले हुए बड़ों को इसमें डालेंगे और 5 मिनट तक छोड़ देंगे। अब हम दही तैयार कर ले रहे हैं। दही को अच्छे से हम फेंट लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काला नमक डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर दही खट्टा हो तो आप उसमें शक्कर डाल ले सकते हैं। अब हम बड़ों को पानी से निकाल लेंगे। इसका पानी निचोड़ लेंगे थोड़ा हल्का हाथ दबाते हुए। अब इस पर हम दही डालेंगे। काला नमक पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास इमली की चटनी है तो आप उसे भी डाल दें। हमारा दही बड़ा तैयार है।